गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लर्न अबाउट कंप्यूटर्स पेज नंबर 13 ये एक्सरसाइज करेंगे हम। और इस लेसन में हमने कंप्यूटर से हम क्या क्या कर सकते हैं और कंप्यूटर कहाँ कहाँ काम आता है ये सब हमने रीड किया। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन ए कंप्यूटर गेट टायर्ड? कंप्यूटर्स नेवर गेट टायर्ड, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर नो है। सेकेंड देखिए, कैन ए कंप्यूटर सॉल्व सम्स? यस यस, कंप्यूटर कैन ए सॉल्व सम्स। थर्ड, कैन यू वॉच मूवी ऑन ए कंप्यूटर? यस, वी कैन वॉच मूवीज ऑन ए कंप्यूटर। लास्ट क्वेश्चन, कैन यू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स ऑन ए कंप्यूटर? यस, आप ड्रॉ भी कर सकते हैं पिक्चर को और कलर भी कर सकते हैं। अब बी पार्ट देखिए, टिक राइट द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन दिए हैं हमारे पास। फर्स्ट है, ए कंप्यूटर कैन राइट लेटर्स, कुक फूड, बिल्ड ए हाउस। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट लेटर्स, ए कंप्यूटर कैन राइट लेटर्स। सेकंड देखिए, ए कंप्यूटर रिमेंबर नथिंग, ए कंप्यूटर कुछ याद नहीं रखता, लिटिल बहुत कम याद रखता है, थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स। तो थाउजेंड ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर याद रखता है, आप इस ऑप्शन के सामने राइट का निशान लगाएंगे। थर्ड में, एक कंप्यूटर वर्क्स स्लो, बहुत धीरे काम करता है, फास्ट जल्दी से काम करता है, टायर्डली, तो राइट ऑप्शन है फास्ट जल्दी से काम करता है। फोर्थ देखिए, एक कंप्यूटर मेक्स मिस्टेक्स, एक कंप्यूटर जो है वो बहुत सारी गलतियाँ करता है, मेक्स मिस्टेक्स, मिस्टेक करता है, समटाइम कभी कभी, ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, तो नेवर पे के आप राइट का निशान लगाएंगे कि एक कंप्यूटर जो है वो कभी भी मिस्टेक नहीं करता, नेवर, एन ई वी ई आर। आप जो सी लिखा हुआ है नेवर, इसके सामने राइट का निशान लगाएंगे। ए कंप्यूटर मेक्स मिस्टेक्स नेवर, एन ई वी ई आर, नेवर। मैंने ये नेवर में के बॉक्स में नहीं लगाया राइट, लेकिन आप ये नेवर के बॉक्स में राइट लगाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, सी पार्ट, अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग एंड राइट द करेक्ट वर्ड। ये आगे पीछे वर्ड लिखे हैं और आपको फ्लो में लिखना है, प्रॉपर वे बना के लिखना है। ये एस ए बी एन के, तो बैंक्स, बी ए एन के एस, बैंक्स। ई एच ओ एम, होम, एच ओ एम ई, होम। मशीन, ये एन ए एम आई सी एच ई लिखा है, आपको लिखना है एम ए सी एच आई एन ई, मशीन। फोर्थ, आर ई सी ओ एम पी यू टी, तो सी ओ एम पी यू टी ई आर, कंप्यूटर, कंप्यूटर। और लास्ट, सी एच एस डबल ओ एल एस, आप लिखेंगे स्कूल्स, एस सी एच डबल ओ एल एस, स्कूल्स। अब देखिए एक बार रिपीट करते हैं, बैंक्स, होम, मशीन, कंप्यूटर, स्कूल्स। अब डी पार्ट में देखिए, जो सही है उसके आगे आप वाई लिखेंगे, वाई ई एस, और जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसके सामने एन, एन ओ, नहीं। वी कैन वॉच कार्टून्स ऑन ए कंप्यूटर, हम कंप्यूटर पे कार्टून देख सकते हैं, यस। वी कैन नॉट राइट लेटर ऑन ए कंप्यूटर, हम कंप्यूटर पे लेटर राइट नहीं कर सकते, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है इसलिए आप नो लिखेंगे। वी कैन प्ले गेम्स ऑन ए कंप्यूटर, यस, हम कंप्यूटर पे गेम खेल सकते हैं, तो आप राइट लिखेंगे, ये स्टेटमेंट राइट है। वी कैन नॉट ड्रॉ एंड कलर इन ए कंप्यूटर, हम कंप्यूटर पे ड्रॉ नहीं कर सकते और कलर नहीं कर सकते, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो आप
नो लिखेंगे, ठीक है। जो सही है उसके लिए यस, जो गलत है उसके लिए नो। वी कैन वॉच कार्टून ऑन ए कंप्यूटर, यस। वी कैन नॉट राइट लेटर ऑन ए कंप्यूटर, नो। वी कैन प्ले गेम्स ऑन ए कंप्यूटर, यस। वी कैन नॉट ड्रॉ एंड कलर ऑन ए कंप्यूटर, नो। अब ये लास्ट है लैब एक्टिविटी, इसमें आपको पेस्ट ए फोटोग्राफ ऑन एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स दैट हैज़ बीन क्लिक्ड वाइल ही और शी इज़ यूजिंग ए कंप्यूटर। इसमें आपको फोटो पेस्ट करनी है जो आपके फैमिली मेम्बर कंप्यूटर यूज़ करते हैं उनकी। और सेकंड में देखिए, टिक राइट द पिक्चर्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन विच ए कंप्यूटर कैन हेल्प यू। फर्स्ट में देखिए, ईटिंग में कंप्यूटर हेल्प नहीं करता। और बी में देखिए, लिसनिंग म्यूजिक, यस। इस बॉक्स में आप राइट का निशान लगाएंगे, म्यूजिक सुनने में कंप्यूटर हमारी हेल्प करता है। सी में देखिए, स्लीपिंग में कोई हेल्प नहीं है। और डी में देखिए, प्लेइंग गेम्स, यस, कंप्यूटर गेम खेलने में हमारी हेल्प करता है। तो ये इस बॉक्स में आप राइट का निशान लगाएंगे। इस लेसन को अच्छे से रीड करेंगे आप। थैंक्स स्टूडेंट्स।